नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, प्यार आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए भीख मांगेगा। एक रोटी में यह शब्द को लिख करके जला दो। एक रोटी में अगर इस शब्द को लिख करके जला देते हैं तो प्यार जो है आपको साथ में जीवन भर के लिए गुलामी करेगा और जीवन भर आपके कदमों में झुका हुआ रहेगा। आज एक रोटी को जला करके कैसे किसी को अपने मोहब्बत में आप दीवाना बना करके रख सकते हैं, कैसे उसको अपना जीवन साथी बना करके रख सकते हैं, सारे विधि और प्रक्रिया आपको मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां चामुंडा जरूर लिखे, ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। तो चलिए मैं बताने जा रहा हूं, एक रोटी को जला करके प्यार को कैसे आप अपना जीवन साथी बना सकते हैं, लाइफ पार्टनर कैसे बना सकते हैं, वो आपके मोहब्बत में जीवन भर दासी बनकर के रहेगा और जीवन भर गुलामी करेगा। ये वशीकरण करने का तरीका आप किसी स्त्री के लिए भी कर सकते हैं या किसी पुरुष के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप एक स्त्री है तो किसी पुरुष के लिए भी आप कर सकती है। यदि आप एक पुरुष है तो किसी भी मन चाहे स्त्री को आप वशीभूत करके उसको अपना दीवाना बना सकते हैं। तो इस क्रिया को करना किस दिन है, इसको करने का तरीका और विधि को मैं पूरी तरह से आपको बताने जा रहा हूं। आप अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं या मेरे चैनल पर आए हैं तो आप निश्चित तौर से आपके मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, इस क्रिया को करना है दो ठो दिन मैं बताने जा रहा हूं, ये दोनों में से किसी एक दिन आप कर सकते हैं। इस क्रिया को करना है शनिवार के दिन, शनिवार के दिन करना है, और नहीं तो अमावस के दिन कर सकते हैं। शनिवार को रात में इसको करना है और अमावस की रात को भी आप कर सकते हैं। अगर बीच में आपकी अमावस पड़ जाए तो आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है। आपको करना क्या है, आपको एक रोटी बनाना है, मात्र एक रोटी बनाना है। थोड़ा सा मोटा रोटी बनाइएगा, पतला रोटी नहीं, मोटा रोटी बना करके रात के समय में करना क्या है, उसमें काला रंग का मार्कर कलम लीजिएगा। जो शब्द मैं बता रहा हूं उस शब्द को लिखना है। काला रंग का मार्कर कलम से पहले उस प्यार का नाम लिखिएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस प्यार का नाम सबसे ऊपर लिखिएगा और नीचे में लिखना है झांग झांग झांग, हांग हांग, हेंग हेंग, झांग झांग झांग, हांग हांग हांग, हेंग हेंग हेंग। ये तीन तीन बार करके आपको उस रोटी के ऊपर में लिखना है और लिख करके उसी शब्द को आपको 108 बार बोलना है, उसी शब्द को 108 बार बोलना है और बोल करके उस रोटी को लेकर के चले जाना है किसी भी जंगल झाड़ी फांका जगह में, जहां कोई आदमी का टोका टोकी ना हो, वहां पर लकड़ी जला लीजिएगा, आम का, खैर का, बेल का, जो भी शुद्ध लकड़ी होती है हवन में, उस लकड़ी को आपको जला लीजिएगा, कपूर का आग से जला लीजिए, उसमें घी डाल करके उसको पूरी तरह से प्रज्वलित कर लीजिएगा और प्रज्वलित करके उस रोटी को हाथ में रख करके 7 बार मन मन में उस प्यार का चिंतन करना है, उस प्यार का चेहरा को ध्यान में रखना है और उस रोटी को उसके ऊपर में आग के ऊपर जला देना है। जब पूरी तरह से जल जाए तो उसी जगह पर जहां पर आप जलाए उसी जगह पर एक हाथ गड्ढे करके उस सारा राख को उसके अंदर में डाल करके दबा करके रख दीजिएगा। बस इतना छोटा सा प्रयोग करके देखिए, ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली
वशीकरण करने का तरीका है। पार्टनर जीवन भर आपका गुलामी करेगा, इसको आप प्रयोग अवश्य करें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।